पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें. शुक्रिया. रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको आपके घर वालों के साथ तंदरुस्ती दे. आमीन सुम आमीन. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. गुड मॉर्निंग सबको. एक नया दिन एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ बना रही हूँ बल वाले पराठे, जो कि बहुत मज़ेदार बने. साथ में मैं कर रही हूँ फ्राई एग और गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ. नाश्ता हो गया मज़ेदार सा तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खूब इंजॉय किया. उसके बाद समेटे मैंने कल के कपड़े और पहले एक जो नई मशीन मैंने लगाई थी कपड़ों की वो भी डाली. उसके बाद आती है सफाइयों की बारी. आजकल मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ सफाई पर. हर उस जगह का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है जिसको हाथ लगाए जाते हैं. अच्छे से सफाइयाँ हो रही हैं आजकल. यकीन करिए कि पहले मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं थी कोने कुतरों के, लेकिन अब बहुत एहतियात की जाती है. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे. आमीन. अल्लाह ताला पर ईमान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए जो ख़ताएँ हमसे हुई हैं और उसकी माफ़ी मांगिए. अल्लाह ताला बहुत रहीम है और करीम है और रहम करने वाला है. ये अल्लाह ताला के निज़ाम है कि हम मुसलमानों को जगाने के लिए, कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि हम मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और होकर एक दूसरों का साथ देना चाहिए. अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए और सब मुश्किल दूर करे. आमीन सुम आमीन. फीलिंग हो गई घर की. अल्लाह ताला का करम है कि बच्चे जब से घर पर हैं तो नमाज की पाबंदी कर रहे हैं और हम सब भी. इतना अच्छा लगता है जब बच्चे नमाज का टाइम पूछते हैं कि कब नमाज होनी है मामा. दिल इतना खुश होता है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ. अल्लाह ताला ऐसे ही बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे और नमाज का पाबंद करे. आमीन. मैं साथ ही डिनर की तैयारी भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल होता है कि सारे काम कर लूँ और फिर आराम से बैठ जाऊँ. मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मेरे मोस्ट फेवरेट चना पुलाव और साथ में आलू की टिक्कियाँ, रायता और चटनी की रेसिपी. मैं बना रही हूँ 3 गिलास चावल, 1 कटोरी में ऐड करें ऑयल और ज़ीरा और साथ ऐड कर दें कटे हुए प्याज. ब्राउन कर लें यानी गोल्डन कर लें, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड कह रही थी जेवर कर लें, यानी गोल्ड को जेवर कहते हैं. ये हो गया थोड़ा सा मजाक, ये तो साथ साथ चलता है ना. फिर मैंने ऐड किया 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट. साथ साथ मैं आलू की टिक्कियाँ भी बना रही हूँ और पूरी रायता भी. मैं काफ़ी सारे काम साथ इकट्ठे कर सकती हूँ. मसालों में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, सूखा धनिया. अच्छे से मिक्स कर लें. यहाँ मेरा बेटा हेल्प करवा रहा है माशाल्लाह. और अब ऐड कर दें पानी और मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब, ये ऑप्शनल है. चावल इतने उम्दा बने कि सबने इतनी तारीफ की कि मैं आपको क्या बताऊं. साथ साथ आलू की टिक्कियाँ भी तैयार हो रही थी. बहुत मज़ेदार बनी ये आलू की टिक्कियाँ और ये आलू की टिक्कियों का मावा. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टिक्कियों को अंडे में डिप करके ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ. आप ब्रेड क्रम्स लगा कर भी फ्राई कर सकते हैं.
आलू की टिक्कियों की रेसिपी है। आधा किलो आलू, मसालों में मैं ले रही हूँ नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला, अनारदाना पाउडर, सूखा धनिया और चाट मसाला। आलू को अच्छे से मैश कर लें और ऐड कर दें सारे मसाले, और मैंने धनिया भी ऐड किया जो मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है, और हाथ की मदद से सबको मिक्स कर लें। मुझे आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद हैं और पुलाव के साथ तो बस मज़ा ही आ जाता है। मैं साथ साथ पुलाव को भी बना रही हूँ। मैंने बॉयल आने पर चावल ऐड किए और पानी खुश्क होने से पहले दम पे लगा दिया। बच्चे टेबल सेट कर रहे थे, सारिन को बहुत मज़ा आता है हेल्प करवाने में, तो सारिन टेबल लगाते हैं और माशाल्लाह उनको सारा पता होता है कि टेबल पे क्या क्या होना चाहिए, यानी कि प्लेट वगैरह, ग्लास वगैरह, और साथ में नैपकिन भी देते हैं वो माशाल्लाह। खाना हो गया तैयार। बेटे ने इसकी मिंट चटनी, बहुत मज़ेदार बनती है ये मिंट चटनी। ये चटनी यानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है, पर अमूमन यही रेस्टोरेंट पे मिलती है और झटपट बन जाती है ये चटनी। आलू की टिक्कियाँ फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बताती चलूँ कि मैंने दो दफ़ा ये आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं और सारी ख़त्म हो गई दोनों बार, यानी मैंने रात को भी खाई और नेक्स्ट डे नाश्ते में भी खाई। ज़बरदस्त सा डिनर किया हम सब ने और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इतनी मेहनतों से नवाजा हम सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। जाने से पहले आप सबके लिए मेरी ये दुआ है कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साफ सफाई का ध्यान कीजिए, बाहर घर से गैर ज़रूरी मत जाइए, बच्चों की बहुत एहतियात कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमामीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।